तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी आए हैं हम सागवाड़ा और आज मैं आपको एक मस्त सी लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ सागवाड़ा में ही। तो मैं जाने वाला था बांसवाड़ा, जो कि गौतमेश्वर और अपने जगमेरू उस साइड जाने वाला था, लेकिन बारिश हो नहीं रही है इसलिए मज़ा आएगा नहीं। तो अभी मैं सागवाड़ा में एक मस्त सी लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे लेके जा रहा हूँ अभी। तो कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल तो था अंदर, देखो एक पॉइंट दिखा रहा है वैसे, लेकिन फिर भी पेट्रोल डलवा ही देते फिर निकलते। और ये नोट है 100 की, लेकिन थोड़ी फटी हुई है, बाकी गूगल पे में पेमेंट पड़ा हुआ है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जाती है तो इससे निकाल देते। 100 का पेट्रोल डलवाते फिर निकलते हैं, वैसे पेट्रोल है अंदर और लेकिन ये नोट फटी हुई है इसलिए निकालने के लिए डलवा रहा हूँ। सो गाइज, अभी हमने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के निकल गए मेन रोड आ के, अब जा रहे सीधा अपने डेस्टिनेशन पर। तो वहाँ जाके मैं वहाँ का व्यू बताऊँगा। और तो सो गाइज, अभी यहाँ का नज़ारा देख ही रहो। और असली मज़ा तो घूमने का बारिश के टाइम में ही आता है, और बारिश की वजह से हरा भरा सब हो चुका है, इसलिए हम आज संडे भी आए, इसलिए सागवाड़ा आए थे, तो साथ में घूम भी आए और जा भी रहे एक मस्त सी लोकेशन पे। तो वहाँ जाके वहाँ का मस्त लोकेशन बताएंगे। आज जाने का प्लान था बांसवाड़ा साइड, बांसवाड़े से आगे गौतमेश्वर साइड, लेकिन वहाँ का तो कैंसिल किया क्योंकि वैसे लेट हो गए थे तो जाके आने में टाइम लग जाता, इसलिए नहीं गए। बाकी चेक करो यहाँ का नज़ारा। और अभी मैं आपको एक मस्त लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर मतलब पहाड़ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का नज़ारा मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाके। तो सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं नंदोड़, और ये नंदोड़ से राइट साइड से हम अभी टर्न लेंगे फिर जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड जैसा आ गया है रोड, देखते हैं एक बार रिक्शे को निकलने देते फिर निकलते। और ये देख रहा है पहाड़ आपको, इस पर मंदिर है तो वहाँ पे जाएंगे अभी। तो जाते अब हम वहाँ पर, ये थोड़ा ऑफ रोड से आ गया है क्योंकि रोड का काम चल रहा है, और यहाँ से लेंगे हम राइट। तो फ्रेंड्स देख रहे हो यहाँ पे रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब पहाड़ पे जा रहे हैं हम, पहाड़ पे मंदिर है वहाँ पे, तो ये थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है, लेकिन फिर भी बाइक तो चली जाएगी, फोर व्हीलर नहीं जाएगी शायद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गली वो जगह कम है। तो वो भी जाएंगे हम ऊपर, और ऊपर जाके देख रहे हैं, और ये एकदम से सीधी ढलान है,
आपको वीडियो में शायद दिख रही होगी, लेकिन मुझे पता है मैं बाइक चला रहा हूँ और रियल में जितनी ढलान है उतनी वीडियो में शायद नहीं दिख रही होगी। और यहाँ पे और भी ख़तरनाक है क्योंकि टर्न भी है और ढलान भी एकदम से, यहाँ से लेफ्ट लेंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर ही मंदिर है, जा रहे अभी तो ऊपर। और यहाँ से आपको एकदम मस्त वाली लोकेशन दिखेगी, देख रहे हो वीडियो में मस्त लग रही है और हरा भरा है इसलिए और भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी जाएंगे हम ऊपर और देख रहे हो पूरी ढलान ही है और साइड में देखो पूरा व्यू। और यहाँ पे अगर बारिश हो रही हो तो और भी मतलब ज़ोरदार वाला व्यू आता, लेकिन फिर भी अभी जा रहे हैं ऊपर देखो ये वाला। और अभी भी ढलान ख़त्म नहीं हुए, जाहिर है शायद रोड ऊपर तक जा रहा है, देखते हैं। अरे यहाँ लास्ट ही है, यहाँ से शायद काम चल रहा है इसलिए बाइक यहाँ पे खड़ी करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं ये नंदोड़ जो पहाड़ पे मंदिर है, कुलदेवी हमारे डंडोर मतलब जिनको पता है उनको पता होगा भोरज माता का मंदिर है, तो हम वहाँ पे आएँ। और यहाँ से नीचे का नज़ारा आप देख सकते हो और ये है नंदोड़ पूरा जो कि सागवाड़ा से 5 किलोमीटर आगे आपने सभी ने देखा होगा। और यहाँ पे मैं जब छोटा था तब आया था, लेकिन अब बहुत टाइम के बाद आया हूँ। यहाँ से घर पे जा रहा था लेकिन दिमाग में आया तो चले आए, और मेरे साथ है भरत और आज पति नहीं, आज ना स्प्लेंडर है, आज मेरे पास है एफजी। और मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, फिर जाएंगे हम वहाँ ऊपर और ऊपर जाके ऊपर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हो यहाँ का, यहाँ से मतलब बहुत मस्त वाला व्यू आ रहा है यहाँ से पहाड़ से। और बारिश का टाइम होता तो और मज़ा आता, अभी बारिश का टाइम ही है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो अभी जा रहे ऊपर, भरत तो आगे चला गया, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ से नीचे का नज़ारा मतलब ज़ोरदार वाला आ रहा है। जा रहे अभी ऊपर और हेलमेट पहना था इसलिए, और मैंने फ़ोन का टप्पन निकाल दिया क्योंकि टप्पन में थोड़ा कचरा था तो फ्रंट कैमरा सही नहीं आ रहा था। और इधर से मंदिर का काम चल रहा है और रोड का काम भी चल रहा है, इसलिए हमने बाइक यहाँ पे ही पार्क कर दिए और यहाँ से कट कर दिया है। शायद ये रोड घूम के आने वाला है इसलिए। तो भी जा रहे ऊपर और यहाँ चारों सब का व्यू बता रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और जा रहा हूँ मंदिर पर, और पहले तो मैं यहाँ से नज़ारा बता रहा हूँ। और यहाँ पे शायद काम चल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे मंदिर शायद अभी वापस काम चल रहा है और ये रोड भी आ रहा है। तो अभी तो हम आपने देखा मैं कैसा है वो, और यहाँ से तो मैं सिर्फ घर पे ही जा रहा था लेकिन आता थे दिमाग में आ गया तो यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ से बहुत नष्ट वाला नज़ारा है। और ये है ज़ोरदार व्यू वाला मंदिर, देख रहे हो मतलब चारों साइड पहाड़, और चारों साइड पहाड़ नहीं है, पहाड़ पे मंदिर है और चारों साइड का है, देख रहे हो बहुत बढ़िया वाला व्यू आ रहा है। और ये रहा जो भी हम इस रोड से आए, शायद इस वाले से नहीं इस वाले से आए। और ये रहा भोरज माता का मंदिर जो कि मैं डंडोर अटक लगाता हूँ, तो भोरज माता का मंदिर है। तो अभी मैंने दर्शन कर लिए, बस वापस पहनता हूँ फिर यहाँ नीचे जाके नीचे का लोकेशन बता रहा हूँ मैं। और आज हमारे जाने का प्लान था जगमेरू बांसवाड़ा, लेकिन वहाँ पे आज बारिश नहीं हुई, बारिश का मौसम हो तो जाने का प्लान था, तो वो तो हमने कैंसिल कर दिया। और सागवाड़ा आए थे तो यहाँ पर भी आ गए, और देख रहे हो यहाँ से मतलब बहुत नष्ट वाला लोकेशन। तो फ्रेंड्स देख रहे हो ये ज़ोरदार वाला लोकेशन आ रहा है और ये पूरा नंदोड़, और देख रहे हो यहाँ से पूरा लोकेशन एक नंबर वाला आ रहा है। और मेन रोड वो जा रहा है, तो मेन रोड में बता दूँ ये रहा मेन रोड, और ये चेक करो मस्त वाला लोकेशन आ रहा
तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे शेयर भी करना, और स्टोरी अगर मेंशन कर पाओ तो मेंशन कर देना। तो ये भी चेक करो, जोरदार वाला आ रहा है। और यहाँ पे काम चल रहा है, छोटा सा मंदिर है लेकिन यहाँ मतलब बढ़िया लोकेशन पे मंदिर है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और अभी बारिश हुई इस वजह से मतलब हरा भरा हो गया, इसलिए जोरदार लग रहा है। तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहां तेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ का व्यू नज़ारा मैंने आपको बता दिया, और ये है नंदोड़ जो मैंने आपको बता दिया, और अभी हम निकल रहे हैं। और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो अब मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ओके बाय फ्रेंड्स। और लास्ट व्यू चेक कर लो, ये वाला। और आना हो तो आ सकते हो, ये नंदोड़ में है।